हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। ध्यान रखने योग जरूरी बातें, अपना कीमती समय निकाल कर जरूर सुने। आज हम अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे। अक्षय का अर्थ होता है जिसकी क्षति ना हो सके। दानी पुण्य के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर कौन से कार्य करने से जीवन में खुशहाली आएगी। नंबर वन, विष्णु भगवान की पूजा। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु भगवान की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा साथ में करनी चाहिए। साथ ही पूजा करते समय पीले रंग का कपड़ा भी पहनना चाहिए। नंबर टू, सोना चांदी खरीदें। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना काफ़ी ही शुभ माना जाता है। इससे पूरे साल घर में सुख और समृद्धि आती है। नंबर तीन, नया व्यापार शुरू करना चाहिए। इस दिन नया व्यापार शुरू करना शुभ माना जाता है। इस दिन व्यापार शुरू करने से तरक्की होती है और समृद्धि आती है। नंबर फोर, नया काम शुरू करना भी चाहिए इस दिन। अक्षय तृतीया के दिन व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन व्यापार शुरू करने से तरक्की होती है। और तो और इस दिन विवाह करना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। नंबर फाइव, तिजोरी में रखें ये चीज़। अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल को भी लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन तिजोरी में चांदी की डिब्बी में शहद और नागकेसर भी भर के रखना चाहिए। नंबर सिक्स, इस दिन तर्पण भी करना चाहिए और तीर्थ स्थान पर जाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ये दो काम करने जरूर चाहिए। इससे आपको पूरे साल फायदा मिलेगा। नंबर सेवन, राम रक्षा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। घर में भी कोई व्यक्ति बीमार है तब भी आप इसे पढ़ सकते हैं। दुर्घटना का सामना करना पड़े तो भी आप इसे जरूर पढ़िएगा। अक्षय तृतीया के दिन राम रक्षा स्रोत का पाठ करना बहुत ही अनिवार्य है। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप और आपका परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। तब तक के लिए बाय बाय।